हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे सामने खड़ी है ऑल न्यू 2023 रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली उनकी बुलेट, या आप उसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड 350। एंड दोस्तों इस गाड़ी का लुक्स पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों इसको 2023 में न्यू लुक के साथ खरीदना वर्थ है कि नहीं, आज की हम इस वीडियो में यही सब बात कुछ कवर करेंगे। एंड इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, यही सब कुछ हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर दोस्तों बात करें, ये बाइक आपको तीन वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। अभी आप जो पर्टिकुलर वेरिएंट देख रहे हैं ये है आपका बेस वेरिएंट। एंड इसकी अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 1.73 लाख रुपीस, एंड ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 लाख 10 हज़ार रुपये की गाड़ी आपको पड़ जाती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। सो दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड पहले दोस्तों हम बात करें अगर इसके फ्रंट लुक की, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। एंड आप बात करें इसकी हेडलाइट सेटअप की, आपको क्या सेटअप देखने को मिलता है, तो आप देख लीजिए आपको राउंड सेटअप मिलता है। एंड बल्ब की बात करें हेलोजन बल्ब विद क्रोम एलिमेंट के साथ, एंड बढ़िया मस्त आपको उसका थ्रो मिलने वाला है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की पोजिशन मिल जाती है। इंडिकेटर की बात करें तो आपको हेलोजन बेस्ड मिलता है। एंड पीछे की तरफ इसको दोस्तों आपको क्रोम के वर्क देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स बात करें जो आपको रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड में आपको सस्पेंशन मिलता है फ्रंट में, वो आपको टेलीस्कोपिक मिलता है। 41 mm का इसमें आपको फॉग मिलता है। ट्रैवल डिस्टेंस की बात करें तो 130 mm का इसमें आपको ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें दोस्तों आपको इसमें क्या मिलता है, यहाँ देखिए आपको मिलता है रिफ्लेक्टर जो कि आपको रात में काफ़ी हेल्प करेगा। 300 mm की इसमें आपको डिस्प्ले मिलती है, बाइब्रेक के कैलिपर मिलते हैं, डबल पिस्टन, एंड ये आपकी सिंगल चैनल ABS बाइक है। बाकी टायर साइज की बात करें तो फ्रंट में जो कंपनी आपको ऑफर करती है 190-19 inches के, एंड इसमें आपको मिलते हैं स्पोक व्हील्स, मतलब ताने आपको देखने को मिल जाती हैं। ये आपके अलॉय व्हील्स नहीं है दोस्तों, नॉर्मल आपको स्पोक व्हील यानी स्टील व्हील रिम के साथ स्पोक्स देखने को मिलने वाले हैं। बाकी दोस्तों अगर इसके मडगार्ड की बात करें ना, तो दोस्तों इसमें आपको स्टील का मडगार्ड देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा साउंड करता है, काफ़ी हैवी है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसके टैंक पे आएंगे आपको ब्लैक कलर का टैंक एंड इसमें रॉयल एनफील्ड आपको एम्ब्रॉयडर्ड मिल जाता है, यानी आप उसको हाथ लगाओगे तो आप फील कर पाओगे, थोड़ा सा 3D आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी हम इंजन की बात करें तो इसमें आपको 349 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। दोस्तों पावर फिगर की बात करें तो 20.2 PS एंड 27 Nm का टॉर्क की गाड़ी आपको निकाल के देती है। एंड ये देख लीजिए आपका साइलेंसर जो कि आपको क्रोम में काफ़ी अच्छा लगता है। रॉयल एनफील्ड की आपको इसमें बैजिंग देखने को मिल जाती है। इंजन दोस्तों आपको क्रोम वर्क पूरा मिलता है। बाकी बात करें यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए आपको ये मिलता है ब्रेक लीवर, एंड यहाँ मिलता है आपको दोस्तों फुट रेस्ट राइडर का। पीछे आते हैं, यहाँ देख लीजिए आपको बुलेट 350 की बैजिंग अकेले इस बाइक में देखने को मिल जाती है। एंड ये देख लीजिए पीछे वाले पिलियन के लिए भी फुट रेस्ट है। क्वालिटी दोस्तों काफ़ी अच्छी इस बार दी गई है। सो रियर में दोस्तों जो आपको इसमें ब्रेक सिस्टम मिलता है वो आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलता है, बट वो आपको मिलता है 153 mm का। एंड इसमें आपको मिल जाते हैं ABS देखने के लिए, रियर में भी ABS मिलता है। एंड सस्पेंशन की बात करें तो आपको ट्विन ट्यूब हिमल्टन सस्पेंशन मिलता है जो कि आप उसे 6 वे से एडजस्ट कर सकते हैं, यानी प्री लोड आता है वो। सो पीछे दोस्तों जो आपको टायर साइज मिलता है वो आपको C8 का टायर मिल जाता है कंपनी के थ्रू, एंड 120/80/18 inches का इसमें आपको टायर मिलता है। एंड इसमें आपको मिल जाते हैं स्पोक्स, यानी इसमें आपको स्टील व्हील रिम देखने को मिलने वाला है, इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। टायर दोस्तों काफ़ी ब्रॉड है, इससे ग्रिप काफ़ी अच्छी आएगी। बाकी हम पीछे अगर बात करें बाइक के, तो पहले आप टायर देख लीजिए, काफ़ी आपको ब्रॉड सा टायर मिलने वाला है। एंड यहाँ देख लीजिए आपको मिलता है टेल लाइट सेक्शन जो कि आपका रहता है हेलोजन बेस्ड, एंड इंडिकेटर की बात करें वो भी आपको हेलोजन बेस्ड मिल जाते हैं। बाकी क्रोम के वर्क मिलता है, एंड ये आपकी नंबर प्लेट की पोजीशन। एंड अगर मडगार्ड की बात करें दोस्तों तो वो भी आपको स्टील का इसमें मडगार्ड देखने को मिलने वाला है। ऊपर की तरफ दोस्तों आपको मिल जाता है बैक सपोर्ट यानी पिलियन के लिए। एंड आप देखिए साइड से तो यहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी सारे साड़ी गार्ड वगैरह, फुटरेस्ट, पिलियन फुटरेस्ट, कुछ उस टाइप से काफ़ी बढ़िया आपको सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ देख लीजिए आपको बुलेट 350 की बैजिंग मिल जाती है। बाकी रियर का स्टैंड, मैन स्टैंड आपको मिलता है। एंड अगर बात करें साइड स्टैंड की तो वो आपको सिल्वर में या क्रोम में आपको देखने को मिल जाता है। एंड बुलेट 350 की बैजिंग काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। बाकी इंजन की बात करें तो आपको 5-speed ट्रांसमिशन इंजन देखने को मिल जाता है, 1 down है, 4 up रहते हैं दोस्तों। एंड इंजन पूरा आपको क्रोम वर्क के साथ देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों गाड़ी गजब लगती है, जब आप क्रूजर बाइक के वैसा बैठोगे तो आप अलग ही राजा के तौर पर फील करोगे, मतलब गाड़ी के लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। बाकी दोस्तों हम अगर बात करें इसकी सीट की, तो आपको सिंगल सीट देखने को मिल जाती है। कुशनिंग दोस्तों सीट की पहले से काफ़ी अच्छी कर दी गई है, बाकी 2 लोग इस गाड़ी में इजली बैठ सकते हैं। एंड अब बात करें दोस्तों हम, तो ये देखिए टैंक में आपको रॉयल एनफील्ड मिल जाता है जो एम्ब्रॉयड है दोस्तों, मतलब 3D में है, आप इसको जब टच करोगे तो उसे फील कर सकते हैं। सो दोस्तों जो आपको न्यू स्टैंडर्ड में टैंक मिलता है पूरा ब्लैक कलर का, 13 लीटर का इसमें आपको टैंक मिल जाता है।
एंड रिजर्व फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको लगभग 2 से 2.5 लीटर के इसमें आपको रिजर्व फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। एंड दोस्तों ये आपकी BS6 सेकंड फेज की बाइक है, तो यहाँ पर ये आपका E20 पेट्रोल भी सपोर्ट करेगा इजिली। सो अब बात करें अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप देख लीजिए कुछ स्टेप से मिलता है जो कि आपका रहता है एनालॉग, एंड जो फ्यूल गेज मीटर है वो आपको डिजिटल देखने को मिल जाता है। तो आप इस पर दोस्तों उसकी जाएगी 110 या 120 रॉयल एनफील्ड आपको मिलता है, की लगाने का स्पेस मिलता है। एंड वहीं बात करें अगर इसके हैंडल बार की, तो आपको दोस्तों स्टील में इसका हैंडल बार देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों अगर लेफ्ट साइड की हम बात करें ना इसमें, तो यहाँ पर आपको देखिए लाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, पासिंग वगैरह, नीचे आपको टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स, हॉर्न की प्लेसमेंट। एंड अगर लीवर की बात करें तो यहाँ से आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, यानी क्लच को कुछ टाइप से आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। अदर साइड की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको किल स्विच वगैरह देखने को मिलने वाला है, साथ में नीचे आपको हजार्ड का बटन मिल जाता है। एंड वहीं दोस्तों अगर बात करें तो ग्रिप काफ़ी अच्छी है, एंड जो उसमें मिरर मिलते हैं साइड मिरर, वो आपको दोस्तों क्रोम के मिलने वाले हैं, यानी इस बाइक में आपको क्रोम का यूज़ भरपूर मिलने वाला है। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी वारंटी वगैरह, जो कंपनी आपको देती है वो 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी आपको प्रोवाइड करवाती है। एंड अगर इसकी लेंथ वगैरह की बात करें तो आपको जो उसमें सीट हाइट मिलती है वो आपको 805 mm की मिल जाती है, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको 160 mm का मिलता है। एंड जो उसकी टोटल लेंथ मिलती है दोस्तों वो आपको 2110 mm, एंड अगर इसकी हाइट की बात करें ओवरऑल तो 1255 mm की इसमें आपको ओवरऑल हाइट मिल जाती है। बाकी दोस्तों बात करें तो गाड़ी काफ़ी अच्छी है। एंड दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड जुड़े रहें दोस्तों हमारे साथ ऐसी और नई बाइक की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।